बोल, क्या नाम है आपका? हम सरकारी शराब दुकान के सभी लोग व्यापारी हैं बरेली जनपद के। नाम बताइए। लगभग 536 दुकानें हैं। अपना नाम बताइए। हमारा नाम शिवचरण कश्यप है और ये हमारे सब संगठन के लोग हैं जो हम लोगों ने सरकारी शराब संगठन बनाया। ये कच्ची शराब दुकान के आसपास लोग तोड़ते हैं और फिर बेचते हैं, जिससे लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है, लकवा मार जाता है और मृत्यु हो जाती है। इस संबंध में हमने कप्तान साहब से शिकायत की तो उन्होंने गंभीरता से हमारी बात को लिया और पूर्ण आश्वासन दिया है कि हम SP सिटी साहब को और SPRA साहब को लिखित में पत्र भेज रहे हैं और थानों से कार्रवाई होगी और कहीं थाने लापरवाही करते हैं तो हमको दोबारा बताएं, फिर उन थाने के खिलाफ भी हम कार्रवाई करने के लिए बात। कहाँ कहाँ कच्ची शराब बेची जा रही है? तो ये लगभग हमने 5 थानों के लिए लिख के दिया है। थाना कैंट है, थाना दुरनिया है, फरीदपुरा है, फरीदपुरा है, कई थाना। SSP साहब को पता है, इन्होंने क्या आश्वासन दिया? SSP साहब ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे और बहुत बढ़िया शिकायत आपने बताई है और इससे सरकार का काफ़ी नुकसान हो रहा है और जनता का भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। तुरंत लिखित में आदेश भी कर दिया है, अगर कार्रवाई नहीं हुई क्या कदम उठाएंगे आप? नहीं नहीं, कार्रवाई तो होगी, जब अधिकारी ने कहा है तो कार्रवाई हमें लगता है होगी। ठीक। क्या था पूरा मामला, ऐसे बता तो रही थी। जिले में कच्ची शराब को लेकर जो अवैध कारोबार हो रहा है, इसके संदर्भ में आज अपने कप्तान से मिले हैं, उन्होंने उच्च अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कार्रवाई की जाए। लाइट इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, नहीं इधर से भी आ रहा है, इधर से आ रहा है।